हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज हम सामान सामून लेके आए हैं। अपने एक जानकार है, उन्होंने ऑडियो इंटरफेस और माइक लिया था, तो मैं भी ले आया हूँ। यहाँ मैंने पीछे रखा है, दिखाना। अभी माइक भी बहुत अच्छा है, इसका रिव्यू भी आपको मिलेगा। MXL का माइक है, इसके भी बहुत कम वीडियोस हैं नेट के ऊपर, तो MXL के माइक के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और दूसरा एक ऑडियो इंटरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा। ये चार माइक वाले ऑडियो इंटरफेस भी आपने काफ़ी देखे होंगे नेट के ऊपर, पर अब एक हिंदी के अंदर भी अच्छा सा एक रिव्यू आ जाएगा, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं थोड़ा और भी घूमने वाला हूँ, तो थोड़ा सोचा व्लॉग भी शुरू कर दे थोड़ा बहुत डालना, कि हम म्यूज़िक लाइन के साथ साथ हम और क्या क्या काम करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, अभी ये इंस्टॉल किया है, ये ठीक ठीक क्वालिटी का मिला है, यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। ये किनारे से देख रहे हो आप, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, और बाकी बीच के अंदर तो ये ठीक है। पर ये मैंने टायर देखने के लिए लगाया है, सिर्फ पीछे के टायर। यहाँ से हम बैक देखेंगे और ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टायर तो इसमें भी दिख जाते हैं आधे आधे, पर क्या है कि हमारे इधर जो एरिया है ना, वो गलियाँ बहुत पतली पतली है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर भी ये लगा दिया इसके अंदर, और ये भी थोड़ा सा यार हिल रहा है, पर ये सब ऐसे ही है यार। यहाँ मार्केट ना, ऑनलाइन मंगाता तो भी टेंशन है, यहाँ लोकल ख़रीदो तो भी टेंशन है। बाकी ये 150 रुपये का मिला है, बाकी ठीक ही रेट है, 150 रुपये भी ज़्यादा है ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए। तो बाकी यहाँ का भी एक स्पीकर चेक करेंगे, यहाँ पे स्पीकर बंद हो गया है, आउट बाहर लोगों से लगवाया था यार, शहर ऐसे ही है, काम चलाओ से सामान मिल रहा है यहाँ पे आजकल। इसके बाद मैं देखता हूँ, अगर इस वैसे क्वालिटी ठीक आ रही है, बस ये स्पीकर यहाँ से बंद हो गया है, तो इसे बस तार वायर सेट कराएंगे, सेट हो जाएगा। दरवाजे बड़ी तेज़ तेज़ बंद करते हैं ना बंदे, तो यार फिर इस कारण से हिल जाता है। बाकी सिस्टम अपना लगा हुआ है, ये सिस्टम यहाँ लगवा रखा है हमने 10 इंच का हाइपरसोनिक का, अभी बंद पड़ा है, दिखा देंगे कैसा है। सो अभी एक व्हील कवर भी हमने लगवा लिया है, ये 150 रुपये का हमें मिला है, और इसके साथ ये बेल्ट भी लगवाई है ताकि ये गिर ना पाए, क्योंकि एक अभी पीछे एक बार मैंने लगवाई थी ना बेल्ट, तो उस बंदे ने क्या किया था, ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा दिया था, बिल्कुल जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। बस इस कारण से क्या हो गया, कहीं खड्डे आए होंगे तगड़े, या रोड ऐसी ख़राब है, तो बस गिर गया वो। और मेरे को एक बार पता भी लगा था कि वो गिर गया है, पर फिर भी रात का टाइम था, 1-2 बज रहे थे, और ऐसी सुनसान जंगल वाले रोड पे था मैं, वहाँ रोड ढंग की बनी हुई नहीं थी, इसलिए फिर मैं रुका नहीं, और मेरे साथ काफ़ी लोग और भी थे, फैमिली तो रिस्क नहीं लिया मैंने, तो इसलिए बस ये भी लगवा लिया हमने, छोटे मोटा काम था। इसके बाद इसकी वॉशिंग करवानी है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, ये कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया है, साफ़ नहीं हुई, अंदर से भी साफ़ नहीं हुई, बस ऐसे हल्का फुल्का कपड़ा मारा है, और मौसम इतना ख़राब चल रहा है, धूल मिट्टी हद से ज़्यादा उड़ रही है, आप देख सकते हो पूरा कबाड़ उड़ उड़ के मुंह में आ रहा है। तो इसकी वॉशिंग हो जाएगी तो एकदम सुंदर हो जाएगी, देखते हैं उसके बाद ये कैसी दिखाई देती है। सो अभी ये तार और अभी ये लाइटें लुइटें लेके आए हैं, और ये सारा कुछ फिट होएगा। अभी यहाँ पर भी ये लगवाने की सोच रहे हैं थोड़ा नाइट के लिए, ताकि अच्छी सी बैक लाइट थोड़ी चमके और थोड़ा दूर से दिखाई दे, क्योंकि गाड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रही है इधर उधर, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, क्या पता यार पीछे से कोई ठोक दे। लाइट निकाल ली है, अभी यहाँ पे इसकी सेटिंग्स लगेगी, ये रही अपनी लाइट है।
ऐसे नहीं सकते इसमें कार ही घुसा दो आप बिना काटे तो फिट नहीं हुई है लाइट नहीं ये छोटे है ना अंदर तक जाता है टाइम तो यार लगना ही है मन नहीं परेशान हो गया ये डेंट लग गया था गन्ने की ट्रॉली में टकराने से बचने के कारण किसी की मोटरसाइकिल लगी थी पीछे वाइट जलेगी पार्किंग पे पार्किंग में वाइट जलेगी इसमें टेप भी लगी हुई थी पहले ही ये पार्किंग वाले में से कनेक्शन कर रहे हैं ना ये कौन सी लाइट है पार्किंग लाइट इसमें से निकली है तो निकल भी गई है इसमें कुछ हवा हुआ जाने वाला चक्कर तो नहीं है मॉइस्चर आने का मॉइस्चर तो जब जाएगा जब कोई चीज खुली होगी अदरवाइज तो जाएगा नहीं ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਸਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਮੁੰਡੇ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੱਲਾ ਰੈਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਰ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਹਮ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਏ ਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਗਵਾਇਆ ਇਹ ਸਭ ਜੁਗਾੜੀ ਕਾਮ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੀ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨਿਪਟਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਥਾ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ये रात को वर्क कर रहे हैं इंडिकेटर अभी पीछे से दिखाते हैं ये मैंने कुछ ऊपर से वो लिखवा रखा ना यूट्यूब का इस कारण से थोड़ा सा वो ऊपर से ढक रहा है बाकी काफ़ी सही लग रहा है दूर से तो इसमें रंगीन लाइटें जो थी ना वो मैंने बंद करवा दी हैं वो अच्छी नहीं लगती जो सतरंगी सी होती हैं अभी थोड़ा और दोबारा देख लो अब ये दूसरी साइड का हो गया अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ अब ये जल रही है इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है और एकदम क्लासिक लग रहा है एकदम दूर से बंदा देखेगा इसमें थोड़ी रोशनी ज़्यादा आ रही है ISO थोड़ा बढ़ रखा है बाकी अच्छी लग रही है ब्रेक लगाने पे देखते हैं कि कैसा लगता है ब्रेक लगाने पे थोड़ा ऐसा है थोड़ी देर के लिए ब्लिंक करता है उसके बाद ये परमानेंट हो जाता है अगर आप ब्रेक दबा के रखोगे फिर छोड़ते ही नॉर्मल और दबा के रखोगे तो ऐसा काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखते हैं आने वाले टाइम में
क्या पता पैसा वसूल हो, ये चीज़ लग तो अच्छी रही है। इसके कारण से अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी होगी गाड़ी के, जिस कारण से अंदर का कोई बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अब। सही है।